हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। यार बहुत दिन हो गए, अपना कोई वीडियो आया नहीं, क्योंकि जब से जैसलमेर ट्रिप हुई थी उसके बाद से मैं रुक गया था एक हफ्ता बर्गर, उसके बाद आ गया था मैं गुड़गांव। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मैं NIT जलंधर 2020 बैच का पास आउट हूँ और अभी मैं कर रहा हूँ जॉब। तो एक साल हो गया यार ऑलमोस्ट कॉलेज से निकले हुए, कॉलेज से होली की छुट्टियां बोल के निकले थे। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि जो कॉलेज हमारा फोटोग्राफी क्लब था, तो वो सारे लोग बोल रहे हैं कि चलते हैं एक ट्रिप पे छोटी सी। तो सैटरडे संडे अपना ऑफ रहता है और फ्राइडे की छुट्टी लेके एक छोटी सी ट्रिप पे निकल लेते हैं, जो मैक्लोड ट्रियून ट्रैक टाइप होगी, जहाँ पे NIT जलंधर का हर एक बंदा जा चुका होता है। ठीक है, तो मैंने भी बहुत बार कर रखा है ये वाली चीज़। तो ठीक है, अभी यार हर टाइम कंपनी मैटर करती है कि आप किन लोगों के साथ जा रहे हो, जगह मैटर करती है ठीक है, लेकिन यार लोग ज़्यादा मैटर करते हैं, मैं तो ये मानता हूँ। तो ये वाला जो व्लॉग है वो मैं गुड़गांव से शुरू कर रहा हूँ, कॉलेज के जो भी चीज़ें होती वो सारी कवर करूँगा, और उसके बाद जो ट्रिप का होगा वो अपने एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। अभी मैंने सामान अपना पूरा पैक कर दिया है। एक्चुअली अभी हम लोग रुके हैं रात का डिनर, मतलब बस वालों के लिए यही टाइम का डिनर होता है। अभी टाइम हो रखा है 1:30, तो अभी यहाँ पे होटल पे रुके हुए। मेरे पीछे होटल है, एक मिनट, इसका नाम है मौज एंड मस्ती ढाबा। यहाँ पे ये खड़ी हमारी बस और पीछे एक दो बसें और खड़ी हैं। तो यार अभी मैंने ऑर्डर करा एक आलू पराठा और एक साथ में टॉफी। टॉफी ऑर्डर नहीं करी भैया, उन्होंने खुले पैसे नहीं थे इसलिए दे दी। तो ये है वो होटल का 360 व्यू। इतने दिन ना बस ऐसे सुन रखा था कि मूरथल के पराठे, मूरथल के पराठे, हर ब्लॉगर आके यहीं पे खाता था। तो भाई आज पता लगा ये क्यों फेमस। एक तो इतना सारा बटर ना, अरे भाई साहब इतना मोटा सा पराठा, भाई मज़ा आ जाएगा। चलो खाते हैं अभी इसको। तो ये मेरे को पड़ा 75 का, मतलब आलू पराठा 75 का, आलू अनियन पराठा 95 का। तो मैंने अभी आलू पराठा करा, तो भाई बटर को रखते हैं साइड में, ये बहुत हैवी हो जाएगा इतना। भाई एक पराठा भी बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, उसके अलावा मैंने एक ही ले ली लेज, तो रात को अगर भूख लगेगी तो ये खाएंगे। अभी पहुंच चुके हैं यार कॉलेज पे, और ये वाला जो ब्रिज है वो बना है अभी। तो भाई एक साल बाद कॉलेज के अंदर आने का अलग ही मजा है। चलिए, मतलब बहुत मिस कर रहे थे कॉलेज को जब फाइनल ईयर था हमारा, और पूरा भी नहीं कर पाए थे। अभी गेट पे एंट्री वेंट्री करवा ली मैंने, वो जो आपको पीछे दिख रहा है वो वाला है मेन गेट, और अभी मैं जा रहा हूँ अभिषेक के पास। जो इस कॉलेज है भाई साहब, उनको तो सारी चीज़ें, मतलब कॉलेज का एक एक कॉर्नर याद है यार हम लोगों को। अभी मैं पहुँच गया हूँ अभिषेक के रूम में, तो अभी नाश्ता करने जाते हैं। तो यार अभी सुबह हमने ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद अभी करेंगे लंच। उससे पहले मैं और अभिषेक आ गए थे अभी डिग्री लेने, तो हमको अपनी डिग्री मिल चुकी है। तो कॉलेज भी बहुत चेंज हो गया, मतलब बहुत जगह बिल्डिंग्स, हर जगह सफाई वफाई। तो अभी चलते हैं स्नैकर्स खाते हैं, बढ़िया सा। स्नैकर्स में भी 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लग चुका है। 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम, राइट। ब्रीचिंग आपको पहले पेमेंट करना है, उसके बाद ऑनलाइन बिलिंग होगी, देन आपको रीचेक कराना, फिर आपको टोकन नंबर मिलेगा, उसी टोकन नंबर से आपका ऑर्डर आएगा, तो थोड़ा हेक्टिक है। तो यार हमने स्नैकर्स वाला प्लान कर दिया ड्रॉप, और अभी हम लोग बैठे हैं जो NIT जलंधर वाले हैं वो तो समझ गए, नाइट कैंटीन पे, और खा रहे हैं प्लेन पराठा और छोले, क्योंकि वहाँ पूरी रोटी मिल रही थी, बहुत हैवी हो जाती है। और तो यहाँ पे हमने प्लेन पराठा और छोले और एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। वही ये जिम है, जब हम लोग थे तब तो बहुत पुरानी पुरानी सी मशीन, अब नया रख दिया, फिर भी लॉक लगा रखा। है मेरे पास वो साइन किया हुआ लेटर बड़ा है, मैं कैंपस में कहीं भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। ये सीजनल भिंडी है, तेरे को भिंडी मिल सकती है, बहुत गंदी बनाते हैं वो, मुझे नहीं पता भाई क्या खाना है। स्नेल दे रही है प्लेसमेंट की पार्टी शायद, हम ढूंढ रहे हैं क्या खाना है। मेन्यू तो ढंग का ले अभी, व्लॉग में अच्छा नहीं लग रहा हूँ, फटा हुआ मेन्यू है। अभी यार स्नैकर से हमने कर लिया है डिनर, और NC पे बैठे चाय पी रहे हैं। NC की चाय, मतलब
जन्नत, उसके बाद थोड़ा घूमते हैं और फिर जाएंगे वहाँ पे, वहाँ से हम लोग पियेंगे ऑरेंज जूस। तो अपने साथ है अभिषेक, ओरियो शेक। ओरियो शेक, तेरा नाम ओरियो शेक है? नहीं, मेरा नाम ओरियो शेक नहीं, मेरा नाम स्नेहल है, पर मैं ओरियो शेक पीने वाली हूं। ओके, ये नाम जो स्नेहल ने अपने फोन में सेव कर रखा है। जालम राठौर सर सीनियर नेत्रा जोधपुर एसोसिएट कंसल्टेंट एट ऑटो निंजा, ऑटो निंजा राइट। ओ भाई साहब, मैं भी सेव करता हूँ तेरा। भाई क्या हो गया तेरे को? खाना खा रहे हैं यार, फटी तो बड़ी है। नहीं लग रहा है तो भाई इसके अलग ही इश्यू चल रहे हैं। तो भाई अभी है कॉलेज में सेकेंड डे और मेरे साथ है अभिषेक, इसको तो आप जानते हो कल मिल लिए थे। उधर है जतिन भाई, क्या हाल चाल भाई? बढ़िया बढ़िया सर, आप? और सबसे उधर है मन्नी भाजी, क्या हाल चाल मन्नी भाजी? अभी हो रखा है एक सीन, हमारे अभिषेक भाई को मिल नहीं रही है यहाँ से लीव, मतलब लड़कियों को मिल गई है भाई, इसको नहीं मिल रही है, अलग ही सीन हो रखा। तो जाते हैं देखते हैं, ना सुन के वापस आते हैं या फिर बाइक को लेके बाहर ही चलते सीधा। ये है हमारे कॉलेज का सिविल डिपार्टमेंट जिसमें हम लोगों ने 4 साल निकाले थे भाई। हम लोग अभी घूम रहे हैं, ये कौन सी रोड है? ये आईटी पार्क वाली रोड। ये बंदा सब भूल चुका है एक साल के भाई अंदर। भूले वूले कुछ नहीं है, याददाश्त। हॉस्टल वन यहाँ पे हमारी यार बहुत मेमोरीज है, फर्स्ट ईयर पूरा हमने यहीं निकाला। और इसी के सामने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, तो वहाँ पे है वो साइंस ब्लॉक, और ये वाला रास्ता जाता है हॉस्टल 3, 4, 2, 5, और ये वाला रास्ता जाता है उधर नाइट कैंटीन वगैरह, और उसके आगे मेगा हॉस्टल एन आई टी जलंधर का सेंट्रल पार्क, और इसी के सामने आई टी बिल्डिंग जो मतलब कॉलेज की मेन बिल्डिंग ये है ई सी बिल्डिंग भी अभी पीछे बन गई है, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं कॉलेज में। और तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, और वहाँ पे हमारा सिविल बिल्डिंग, इधर आईपी डिपार्टमेंट। यार अभी हम लोग निकल रहे हैं कॉलेज से, टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4 बजे की शाम के। तो यहाँ से निकलेंगे, बाहर एक रूम लेंगे, वहाँ पे होगा रात का स्टे, उसके बाद कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल लेंगे मैक्लोडगंज के लिए। यहाँ पे तो हमारा कल रात का स्टे, ये हॉस्टल 3 है ना, हॉस्टल 3 का रूम है भाई, अभिषेक का रूम है, कल यहीं पे स्टे करा था मस्त। ये हॉस्टल 3 का एंट्रेंस, और इधर है पूरा हॉस्टल, ये हॉस्टल का गार्डन, और चिड़ियों की चहचहाती आवाज़। बाकी अभिषेक अभी आ रहा है, आया नहीं आई थिंक, और मनिंद्र आके वापस जा रहा है, कुछ भूल गया होगा लगता है। यार पता नहीं क्यों, लेकिन जो कॉलेज की वाइब है ना अलग ही होती है। पिछली बार हम लोग एक दिन के लिए आए थे तो उसमें काफ़ी गर्मी भी थी और पूरा घूम भी नहीं पाए थे। अभी मैं यहाँ पे कल आ गया था, यहाँ पे एक दिन बढ़िया चिल मारा। ये हॉस्टल 3, ये हॉस्टल 2, उधर है हॉस्टल 4 एंड हॉस्टल 5, फाइव इधर है एंड इधर हॉस्टल 4 है। इंडक्शन के लिए आए हुए बच्चे, तो ये हमारा वेटिंग स्पॉन्सर भी होता है, कमीशन होता है इंडक्शन के लिए आए हुए बच्चे और मैं इनकी लेने को तैयार हूं। वहां पे जो सामने दिख रहा वो है लाइब्रेरी, और ये स्नैकर्स का एंट्रेंस। तो वही NIT जलंधर के जो पास आउट है ना उनके लिए तो वाइब है यार चीज़ों में। एक प्राणी है जो हर टाइम कुछ न कुछ खाता रहता, कभी इसकी भूख नहीं मिटती। हेलो फ्रेंड्स, ये सर आ चुके हैं और सर जा रहे हैं, इन्होंने मेरे को 15 मिनट का टाइम दिया, अब हम मंडे को मिलेंगे। ओके बाय। तो अगर आप NIT जलंधर से हो और विदिपुर, मस्ट है जाना आपके लिए, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक चाय की टपरी, चाय, सुता, सारी चीज़ें यहीं पे जुड़ी हुई है हमारी। वो लोग वहाँ पे खड़े वेट कर रहे हैं मेरा, मैं एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड से मिलने चला गया था जो आपने अभी व्लॉग में देखा, रिचा। अभी हम लोग आए विदिपुर में एक चाय वाले के पास, जिसके पास 4 साल मतलब फाइनल ईयर के, तो हर एक दिन हर एक शाम को हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आते। अभी यहाँ पे पीते चाय, और सीन कुछ ऐसा है कि मनिंदर और जतिन जो अभी मैंने आपको मिलवाया था, वो लोग स्कूटी लेके निकल गए हैं, तो वो लोग रूम वगैरह देख लेंगे। हम लोग ना जब मॉर्निंग फ़ोटो वॉक पे जाते थे, वहाँ से होते हुए मतलब फ़ोटोज खींचने के लिए पूरा क्लब निकल लेते थे भाई, बहुत मज़ा आता था। मैं अपने पूरे होश आवाज में जाहिर करता हूँ कि अभिषेक गोयल का मेरा एक पहचान पत्र है। मनी भाई किदा? इंडिया भाई एकदम कच्चा।
जीप जल गई। अभी हम लोग निकले फूड टूर पे। मैंने ऑर्डर करा डोसा, उधर मनिंदर वगैरह ने करा क्या ऑर्डर करा, चाप। तो ब्रो चाप चूप खा रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग सॉफ्टी। भाई की तरफ से आइसक्रीम आज पे कर दियो। ऐसे कर ले। तेरा फेवरेट होगी। अरे तो वो मैडम ने ये कब लिखा? क्या भाई क्या हो गया यार? पैसे ज्यादा लेते हैं जितने कम है ये लोग। 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है। 28 रुपए दे दे चल। पहले मैंने इसको 100 रुपए दिए, फिर इसने मुझे 10 रुपए का फटा हुआ नोट दिया, मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया। देखा पीछे 2 टेप लगे हुए हैं। ये दुकानदार बड़े हरामी होते हैं। देखिए आपको कैश चाहिए तो 30 रुपए मिलेंगे, ऑनलाइन की तो 28 रुपए। 28 रुपए चलेगा, फटा हुआ नोट नहीं चाहिए।